मगर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। दोस्तों, चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बोल बिगड़ने लगते हैं। ये नेतागण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर खुद की राजनीति चमकाने का काम करते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ सांसद इन नेताओं को पछाड़ते हुए दो कदम आगे निकले और अफसरों पर हमलावर हो गए। मौका था प्रतापगढ़ के आईटीआई मैदान में आयोजित नेहरू युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित करने का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा से प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता भावनाओं में बह गए। उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, ऐसा प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं, लेकिन कोई भी आईएएस या आईपीएस को मेरे सामने बैठा दीजिए, वो मेरे सामने बात नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी अफसर मुझसे बात कर लेगा तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप भी सुनिए पहले ये वीडियो। प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं कि संगमलाल गुप्ता शिक्षा नहीं ग्रहण की है, मगर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो और उसको बैठा दीजिए, अगर हमसे बात कर सकता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारा कॉन्फिडेंस है। एकदम सही कहा आपने सांसद जी, इतने आत्मविश्वास से लबरेज सांसद से आईएएस आईपीएस तो क्या स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बात कर सकते। चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरह का बेतुका बयान प्रतापगढ़ की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सांसद जी ने चुनाव के पहले टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा बेतुका बयान दिया है। प्रतापगढ़ के लोग कहते हैं कि संगमलाल गुप्ता शिक्षा नहीं ग्रहण की है, मगर हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आईएएस आईपीएस हमारे सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी शिक्षा ग्रहण किया हो और उसको बैठा दीजिए, अगर हमसे बात कर सकता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा।